लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे, वरना अंगुरी उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं ना। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहे, वरना खून खराबा भी हो सकता है। अरे कैसा एसपी है यार, वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं? ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हथकड़ी, पहनाइए, चलिए। छीन कर ले जाने की ताकत रखता हो, मां भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए मां, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके, कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए, अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। चिर स्पर्श करते को खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल बादशाह गिरफ्तार। देखा कैसा बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है, कर ले अपनी दुश्मनी का हिसाब, निकाल ले अपनी भड़ास। मेरे मामा को मार डाला, जब्बर को भी मार दिया, जिसको जी में आएगा उसे मार दोगे? सारे शहर को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझता है तू? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे मामा को, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
दर्द हो रहा है इसे। बादशाह, लाल बादशाह, सारे शहर का बादशाह, सिर्फ एक बादशाह इस शहर का, विक्की बादशाह। मैं हूं शहर का बादशाह, मैं। आपकी इस बेवकूफी पर हमको एक शेर याद आ गया। इतना मेहनत कर रहे, थोड़ा ब्रेक लेकर के सुन लीजिए। तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, और जैसे राजा भोज बने कोई गंगू बेली। अब पढ़ा लिखा मालूम पड़ते हैं। अगर अपनी बाप की औलाद है तो तनिक हमारा हथवा खोल दीजिए, फिर देखिए तमाशा। हम जिस बाप की औलाद है उसका नाम हमें मालूम है, और अपने बाप के बाप का नाम भी हमें मालूम है, मगर तेरी क्या पहचान है, कौन है तू? ना बाप का पता, ना खानदान का ठिकाना, पता नहीं किस बदचलन आवारा औरत का बाप है तू। कभी जाकर अपनी माँ से बाप का नाम पूछना, तब पता चल जाएगा तुझे तेरी असलियत का, असलियत का, असलियत का। ज्यादा माँ को गाली देता है, हमारा खून का गाली देता है। वरना गोली मार दूंगा। चल, माँ को गाली देता है और तुम हाथ में तमंचा रख करके मर्दानगी दिखाता है। दोस्त आओ, कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है यार। तो क्या बात है, बैठो तो सही। क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम तो जानते हो ना, हमारे मामा का खून हो गया, जितना पैसा खर्च होता कर, 25-50-1 करोड़ परवाह नहीं, जिस जिसको खरीदना खरीद ले, पर लाल बादशाह को हमारे मामा के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत ही होनी चाहिए। देख यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मेरे से ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें गवाह चाहिए ना, ये है वो गवाह। ये कोर्ट में गीता, कुरान और बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि हम मौका वारदात पर मौजूद थे और हमारी आंखों के सामने लाल बादशाह ने नारायण सिंह का खून किया। ठीक है, कोशिश करते हैं। यार वकील, हमारे पास पैसा है, गवाह है, तुम्हारे पास कानूनी ताकत है, अब अगर इसके बावजूद भी लाल बादशाह कोर्ट से छूट जाता है ना, तो हम दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है यार, तुम जैसा चाहते हो वैसे होगा। लाल बादशाह की कहानी इस शहर का इतिहास बन जाएगी। भाई, वकील को जितना पैसा चाहिए दे देना, काम हो जाएगा ना। अरे यार, तू इतना पैसा खर्च कर रहा है तो लाल बादशाह को तो क्या, मैं यमदूत को भी फांसी पर चढ़वा दूंगा। वाह डैडी वाह, जिस इंसान ने आपकी बेटी की इज्जत बचाई, उसी इंसान की जिंदगी को मिटाने को तैयार हो गए आप। देखो बेटी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप? किसी के एहसान के बदले उसी की जिंदगी छीन लेना। होश में रहकर बात करो।
खुश तो आप खो चुके डैडी, दौलत की हवस में आकर। डैडी, आपकी थप्पड़ की एक गूंज हमेशा मेरे कानों में किसी शहनाई की तरह गूंजती रहेगी। हक और ईमानदारी की कमाई की एक चुनरी भी मुझे दहेज में देकर मुझे विदा कर देंगे ना, तब भी मैं बहुत खुश रहूंगी। अगर आपकी ये पाप की कमाई मेरे बसने वाले घर गृहस्थी को उजाड़ के रख देगी, आग लगा देगी। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए सर, ऐसे बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ओके, अरे आओ वकील, लाल बादशाह के लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, यही खबर सुनाने आए हो ना? खुशखबरी ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अरे इसी तरह हमारा साथ देते रहोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। बनाना, मिटाना, मिटाकर बनाना, ये तो ऊपर वाले का खेल है जिसने ये दुनिया बनाई है, और हम उसकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। मैं लाल बादशाह की मौत नहीं, जिंदगी लेकर आया हूँ। ए वकील, हमारा नमक खाकर हमसे नमक हरामी? देश के नमक हरामों के साथ नमक हलाली बंद कर दिए मैंने। ए वकील के बच्चे, माइंड योर लैंग्वेज एसपी। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, लाल बादशाह की रिहाई के कागजात। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोली से उड़ा दूंगा। भाइयों, कोर्ट ने लाल बादशाह की जमानत दी थी, लेकिन इस ऑफिसर ने वो कागजात फाड़ दिए हैं। फायरिंग का ऑर्डर देने से आप क्या समझते हैं, लोग गोली चला देंगे? आपके अंदर का इंसान अगर मर गया है तो आप क्या समझते हैं कि साथ साथ इन लोगों का जमीर भी मर गया है? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये वर्दी और तमगा जो आप लगाए हैं, इसका कीमत ईमानदारी के बाजार में आप मिट्टी में मिला दिए हैं, समझते हैं? अब यहां गोली नहीं जूता चप्पल चलेगा, और आपके लिए समझदारी यह होगी कि आप भागने का इंतजाम कर लीजिए। चलिए भागिए, और भागिए ना। हम तो ऐसी घटनाओं के साथ बचपन से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, इसमें डरना क्या है? मुझे डर लगता है कहीं। ओहो देवी जी, देखिए ये जो डर नाम का कांटा है ना, इसे आप अपने जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए, वरना जिस दिन ये चुभेगा इंसान को बैठा देगा, मंदिर तक पहुंचने नहीं देगा। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो ये लोग न जाने क्या करते मेरे साथ। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए। कौन हो तुम बाबा, कहां से आए हो तुम, तुम्हारा ठिकाना क्या है बाबा? मेरे साथ चलोगे? चलोगे मेरे साथ?